हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज़ आज तारीख हो चुकी है 3 जून 2022 और बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट्स हमारे सामने निकल कर आई हैं। तीन ऐसी टीमें हैं जो कि आईपीएल को छोड़कर दूसरी लीग में खेलने पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही कुछ टीमों की रिलीज लिस्ट के रिगार्डिंग, रविंद्र जडेजा कोलकाता नाइट राइडर्स और उनके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद के नए कैप्टन के रिगार्डिंग बहुत सारी भर भर के हमारे पास अपडेट्स हैं। तो ऐसे में ये वीडियो आप लोगों को देखनी है बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर अभी तक हमारे चैनल के ऊपर 10 आईपीएल टीमों की फ्री जर्सी का गिव अवे आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसके लिए सिंपल सी चीज आप लोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए। वहां पर जैसे ही 1000 लोग हो जाते हैं हम इस गिव अवे के विनर्स को अनाउंस करेंगे। ऑलरेडी 700 से ऊपर लोग आ चुके हैं तो 300 लोगों की और जरूरत है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप 300 लोगों में आ जाओ। तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिए गए लिंक से हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए। अब हम चलते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट की तरफ, और ये निकल कर आ रही है ऐसी तीन टीमों के रिगार्डिंग जो कि किसी अलग T20 लीग में आपको खेलते हुए देखने को मिलेंगी। दरअसल T20 नहीं बल्कि T10 लीग आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स ये तीन ऐसी टीमें हैं जो कि अब आपको यूएई में जो T10 लीग हमें देखने को मिलता है इस T10 लीग में पार्ट लेते हुए देखने को मिलेंगी। खैर ये न्यूज़ हमने आपको आज से कुछ महीने पहले भी बताई थी, लेकिन इसके साथ ही इसमें अब एक नया ट्विस्ट आ चुका है कि ये तीनों ही टीमें अपने 4 आईपीएल में खेलने वाले प्लेयर्स को भी इसमें भेजेंगी। अब ये तो अलग बात है कि आप लोग इसी टीम को ओन करते हो, लेकिन आईपीएल जैसी बड़ी लीग के 4 प्लेयर जो कि आईपीएल में खेलते हैं उन 4 प्लेयर्स को ये टीमें वहां पर भी भेजेंगी खेलने के लिए। तो एक तरीके से अगर आप लोग देखो तो ये बीसीसीआई के रूल्स के अगेंस्ट है। पास्ट में प्रवीण तांबे इस चीज को कर चुके हैं, जहां पर प्रवीण तांबे को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया था आईपीएल से। तो ऐसे में किस आधार पर इन टीमों के प्लेयर्स को वहां पर खेलने भेजा जाएगा, ये बात अभी थोड़ी सी समझ के बाहर है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताएंगे। अगर फिर इन लीग में परमिशन दी जा रही है तो फिर वो वाला मुद्दा वापस से उठ सकता है कि फिर पीएसएल में प्लेयर्स को खेलने के लिए क्यों नहीं चांस दिया जा रहा। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों के हिसाब से पीएसएल या फिर बिग बैश लीग जैसे टूर्नामेंट में भी भारतीय प्लेयर्स को खेलने के लिए भेजना चाहिए या फिर नहीं, खासकर उन प्लेयर्स को जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट का पार्ट नहीं है, जिनको प्रैक्टिस की सख्त जरूरत है, जैसे कि सुरेश रैना। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, और ये निकल कर आ रही है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमों की तरफ से। इन्हीं दो टीमों के बीच में हमें आईपीएल का फाइनल देखने को मिला था और इन्हीं दो टीमों ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कि बाकी 8 टीमें मिलकर भी नहीं कर पाई। दरअसल गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आईपीएल 2022 में सिर्फ ऐसी दो टीमें हैं जो कि ऑल आउट नहीं हुई। इनके अलावा जो बाकी सारी टीमें हैं वो आईपीएल में एक ने एक बार हमें ऑल आउट होते हुए जरूर नजर आई। कुछ टीमें तो एक से ज्यादा बार भी ऑल आउट हो गई थी, और लेकिन ये दोनों टीमें गुजरात और राजस्थान लास्ट तक भी कोई इनको ऑल आउट नहीं कर पाया, और शायद यही वजह है कि ये आईपीएल फाइनल से भी ऑल आउट नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, और ये निकल कर आ रही है सभी आईपीएल टीमों की रिलीज लिस्ट के रिगार्डिंग। ऑलरेडी मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इन तीनों ही टीमों की रिलीज लिस्ट हम चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप से लोगों ने किसी ने जो कि इनके फैंस हैं इनकी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग हमारे चैनल के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और आज इस सीरीज का आपको अगला जो अगली वीडियो है वो देखने को मिलेगी। जिस भी टीम के कमेंट आप लोग इस वीडियो के नीचे सबसे ज्यादा कर देते हैं उस टीम की रिलीज लिस्ट की वीडियो आप लोगों को अभी से कुछ घंटे के बाद हमारे चैनल में देखने को मिलेगी। तो आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस टीम का नाम लिखिए जिसके ऊपर आप लोग रिलीज प्लेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है एशिया कप के रिगार्डिंग। जहां पर एशिया कप आप सभी लोगों को हमने बताया था कि इस बार उसका जो एक तरीके से टेंटेटिव शेड्यूल है वो हमारे सामने निकल कर आ चुका था, और अब एशिया कप कौन से चैनल के ऊपर हमें लाइव देखने को मिलेगा इसकी डिटेल भी हमारे सामने आ चुकी है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में हमें इस बार होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कौन इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। स्टार स्पोर्ट्स और उनके साथ ही हॉटस्टार ने राइट्स को एक्वायर कर लिया है एशिया कप के, जिसका मतलब है कि स्टार नेटवर्क में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ और इसके साथ ही हॉटस्टार नेटवर्क के ऊपर अगर आप लोग किसी और प्लेटफॉर्म जैसे कि फोन या फिर लैपटॉप से मैचेस को देखते हैं तो वहां पर भी आप लोग इस मुकाबले को लाइव देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट, और ये निकल कर आ रही है दीपक चाहर की तरफ से, जहां पर दीपक चाहर की फाइनली शादी हो चुकी है। दीपक चाहर इज नाउ ऑफिशियली मैरिड। दीपक चाहर और इनकी जो वाइफ है जया, इनकी जो शादी की फोटोज है वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। MSTB शादी में पहुंचे थे, तो हमारी साइड से दीपक चाहर और उनकी जो वाइफ है उनको उनकी इस नई जो उनकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके साथ ही आप लोग भी कमेंट सेक्शन में दीपक चाहर और उनकी वाइफ को उनकी जो शादी के बाद की लाइफ है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे आज के दिन की छठी अपडेट की तरफ, और ये निकल कर आ रही है मोइन अली की तरफ से। मोइन अली को एक नया अवार्ड दिया गया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के द्वारा, और ये अवार्ड है OBE। OBE का फुल फॉर्म है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और ये अवार्ड उनको दिया जाता है जिन्होंने इंग्लैंड की टीम के क्रिकेट में बहुत ही अच्छा खासा योगदान दिया हो। और मोइन अली के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मोइन अली को इंग्लैंड की टीम के टेस्ट क्रिकेट सेटअप से लगातार अंदर बाहर होने के बावजूद ये अवार्ड दिया गया है। इनसे पहले जिनको ये अवार्ड दिया गया है वो मोस्टली इंग्लैंड की
या तो कुछ हीरोइक विन के पार्ट थे, जैसे कि वर्ल्ड कप में उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया था, या तो फिर वो टेस्ट क्रिकेट में लगातार अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। तो ऐसे में मोइन अली जो कि इतने सालों से इंग्लैंड की टीम के लिए लगातार खेलते आए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट, और ये निकल कर आ रही है रविंद्र जडेजा के रिगार्डिंग। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इंटरेस्टेड है रविंद्र जडेजा में, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगल निकल कर आ रहा है जो कि है वरुण चक्रवर्ती का। अगर आप लोग हमारे चैनल के एक्टिव व्यूअर हैं तो हमने आपको बताया हुआ है एक दो बार कि वरुण चक्रवर्ती के प्राइस टैग को लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम कुछ प्रॉब्लम में है, कुछ उनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती उनको सिर्फ 8 करोड़ रुपए पे होते हैं जो कि उनके हिसाब से ठीक ठाक प्राइस है, मतलब आप उनको रिटेन कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि मेगा ऑक्शन के जो रिटेंशन के रूल थे उसके अकॉर्डिंग कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को उनको 12 करोड़ रुपए पे करने पड़ते हैं बीसीसीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से वरुण को मिले 8 करोड़, केकेआर की जेब से गए 12 करोड़, जिसका मतलब है 4 करोड़ का उन्हें नुकसान हो गया, मतलब वो पैसा ना तो वरुण को मिला ना ही वो केकेआर के बैलेंस पर्स में ऐड हुआ। तो इसी रीजन की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस बार वरुण चक्रवर्ती को वापस से ऑक्शन में भेज सकती है, क्योंकि अगर ऑक्शन में जाएंगे तो 12 करोड़ रुपए तो इनके ऊपर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, और ऐसे में इस बार हमें मिनी ऑक्शन भी देखने को मिलने वाला है, तो काफी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि 5 करोड़ के अराउंड आप इनको वापस खरीद सकते हो, और उनके साथ ही जो आपका पैसा बचेगा उसमें आप रविंद्र जडेजा को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक ऑलराउंडर की तलाश में है जो कि स्पिन गेंदबाजी करता हो, सुनील नारायण उनकी टीम में है, और अगर रविंद्र जडेजा आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम हो जाएगी। तो ऐसे में केकेआर की टीम ये ट्राई करने वाली है इस बार के ऑक्शन में। कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आप लोगों के हिसाब से केकेआर की टीम को वरुण चक्रवर्ती को रिलीज करके अपनी टीम में रविंद्र जडेजा को शामिल करना चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट, और ये निकल कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से। जिस तरीके से कुछ टीमें अपने कैप्टन को चेंज करने का सोच रही है, उन्हीं टीमों की लिस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का नाम भी जुड़ चुका है। केन विलियमसन की खराब फॉर्म इनके लिए बहुत ही चिंता का सबब बनी हुई है, क्योंकि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं केन विलियमसन तो एक अलग ही लेवल के प्लेयर नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही एसआरएच की टीम में आते हैं तो इस बार तो ऐसा परफॉर्मेंस है कि अगर शायद वो कैप्टन नहीं होते तो सीधे टीम से निकाले भी जा सकते थे। और ऐसे में डेविड वार्नर के साथ तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी एसआरएच की टीम, क्योंकि जब उनका एक सीजन खराब गया तो उनको मतलब इतनी ज्यादा उनके बीच में खींचातानी हो गई थी, इतनी ज्यादा हमें बातें सुनने को मिली वार्नर की साइड से एसआरएच की साइड से। तो ऐसे में केन विलियमसन के ऊपर भी वो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा पैसे भी अभी इनके पास हैं एसआरएच की टीम के हिसाब से, और ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जरूर कंसिडर करेगी केन विलियमसन को अपनी टीम से रिलीज करने का, भले ही ऑक्शन में वो भी उनको वापस से परचेस करने का ट्राई कर लें, लेकिन अभी तो फिलहाल पैसों के हिसाब से और कैप्टनसी के रोल के हिसाब से बिल्कुल भी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं है केन विलियमसन का। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब, इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, तो अभी 10 की 10 आईपीएल टीमों की फ्री आईपीएल जर्सी जीतने के गिव अवे के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।